हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स क्रिएट। सो दिस इज अवर अरिथमेटिक सीरीज। कल हम लोगों ने एक मिक्सर का क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम लोग एक एवरेज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट एक अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट जिसमें नंबर सिस्टम के भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का की होता है कि यू शुड रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली। काफ़ी स्टूडेंट इसमें मिस इन्फॉर्मेशन करके आंसर गलत लगाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कैट में आते हैं, तो यू विल लव दिस कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। एक बार हाँ या ना कर दो या लाइक कर दो पोस्ट को, जिससे कि हम लोग स्टार्ट कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो शकुंतला चैलेंजेस दुष्यंत, आइडेंटिफाई द एजेस ऑफ माई थ्री यंगर ब्रदर्स। शकुंतला और दुष्यंत की बात हो रही है। शकुंतला ने दुष्यंत को चैलेंज किया कि मेरे तीन छोटे भाई हैं, उनकी एजेस पता करो, ओके। नो टू आर ऑफ द सेम एज एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 35। ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि लेट करो अगर तीन ब्रदर्स हैं एक्स वाई एंड जेड, उनकी एज का जो सम है दैट इज 35, और ये तीनों जो हैं डिफरेंट एज के। हम लोग लेट करते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड। दिस इज सर्टेनली नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, गिव मी सम मोर क्लूज, सेट दुष्यंत, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि ये सर्टेनली वो सही क्लू नहीं है, मतलब सही है लेकिन इतना इनफ नहीं है मेरे लिए पता करना कि उनकी तीनों की एज क्या, बिकॉज देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन पॉसिबल, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। बट उसको क्या है कि एज तो एक ही एज होगी ना, 20 का तो 20 का होगा, तो एज तो ऐसा होगी नहीं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, तो सिंगल कॉम्बिनेशन शुड बी पॉसिबल। दिस इज सर्टेनली नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, गिव मी सम मोर क्लू, सेट दुष्यंत, ओके। शी रिप्लाइड द एज ऑफ ईच वन इज अ प्राइम नंबर, मतलब जो x है जो y है जो z है तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है। एंड इफ आई टेल यू द एज ऑफ मिडिल वन देन यू वुड इजली गेट द एजेस ऑफ द अदर्स। तीनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हो सकता है 2, 3 और सम अदर वैल्यू हो जाए, ऐसे करके मतलब काउंट, वी कैन काउंट दैट कि अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेकिन उसने एक और टर्म कहा है, इस टर्म पे वो कंसंट्रेट करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आई टेल यू द एज ऑफ मिडिल वन देन यू वुड इजिली गेट द एजेस ऑफ अदर्स, मतलब अगर मिडिल एज वो बता देती है तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी, मतलब और ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, एक ही कॉम्बिनेशन पे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो अटैक पॉइंट समझना इजी होता है, व्हाट शुड बी अटैक पॉइंट, तुम किस पर अटैक करोगे। इफ आई टेल यू द एज ऑफ मिडिल वन दैट मींस मिडिल वन इज योर अटैक पॉइंट। तीनों ही प्राइम नंबर है, पहले मैंने वाई की वैल्यू लेट करो 3 पुट करी, मिडिल वन को मैंने एक प्राइम दिया 3, क्योंकि अगर y की वैल्यू, क्योंकि मैंने x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z माना है। अब तुमने सोचो कि तुमने y की वैल्यू को अगर 2 प्राइम लिया तो x की वैल्यू जो होगी, x की छोड़ो z की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये केस नहीं पॉसिबल है, हटा देते हैं। तुमने y की वैल्यू को 3 रखा, y की वैल्यू को 3 रखा तो z की जो वैल्यू हुई वो 2 हुई, अच्छी बात है, 3 और 2 एक ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि z इज लेस देन y तो एक ही प्राइम मिलेगा, तो जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 30, वो 30 आ जाएगी विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो y इज इक्वल टू 3 भी आउट ऑफ पिक्चर हो गया। y इज इक्वल टू 5 पे आते हैं, y इज इक्वल टू 5 होगा तो z की वैल्यू 2 भी हो सकती है, इट कुड बी 3 ऑल्सो। अब अगर z की वैल्यू 2 आई तो 5 प्लस 2 7 हो गया, तो 35 है ये, तो ये कितना बचा, 28 बचा विच इज नॉट अ प्राइम। 5 प्लस 3 8 है ये, तो 27 बचा विच इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम, तो ये भी केस खराब हो गया मेरे लिए। y की वैल्यू में 7 पुट करूंगा तो z कुड बी 2, z कुड बी 3, z कुड बी 5, 7 प्लस 2 9 तुमने जब रखा तो यू विल गेट 26 हियर विच इज नॉट अ प्राइम। जब तुमने 3 रखा, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 3 रखी तो विच इज 25 विच इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम।
जेड की वैल्यू 5 जब रखी 12, 23 आया. तो दिस इज ओनली कॉम्बिनेशन विथ ऑल थ्री प्राइम्स. तो दुष्यंत को पता चल गया होगा कि अगर उसने मिडिल वैल्यू 7 ली है तो दिस इज द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन 7 5 23. लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में कैच है. अभी तुम्हें मिल गया कि एक कॉम्बिनेशन तो ये पक्का है कि अगर अगर उसने बताया, अगर उसने एक एज बता दी कि मिडिल वाले की एज 7 है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि छोटे वाले की एज 5 होगी और बड़े वाले की एज 23 होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तीनों प्राइम है, एक ही कॉम्बिनेशन यहां पे पॉसिबल है. बट क्योंकि आंसर में कैन नॉट बी डिटरमाइन भी दिया हुआ है, तो वी शुड चेक फर्दर ऑल्सो कि ऐसी कोई एज का कॉम्बिनेशन क्या और भी बन रहा है जो पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, अब देखते हैं मिडिल वाले के लिए. अब तुम वाई की वैल्यू 7 तुम रख चुके हो, 11 पे आओगे. अब वाई की वैल्यू जब 11 पे आओगे, अंडरस्टैंड जो जेड की वैल्यू होगी दैट कुड बी 2 3 5 7, ये पॉसिबिलिटी होंगे. 11 + 2 13 आ गया, टोटल सम 35 है, 13 आ गया 22 विच इज नॉट अ प्राइम, 21 विच इज नॉट अ प्राइम, 11 5 16 19 विच इज अ प्राइम, 11 7 18 18 + 17 35 विच इज प्राइम. नाउ दिस इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल कॉम्बिनेशन? क्योंकि वो बोली थी कि अगर मिडिल एज बता दी जाएगी देन यू वुड इजिली गेट द एजेस ऑफ अदर्स. बट यहां पे तो दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अगर 11 बता भी दी तो वो कैसे पहचानेगा क्या एज है. तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है. अब समझो, अब तुमने लेट करो y की वैल्यू, मैं यहां बता रहा हूं, तुमने y की वैल्यू 13 पुट करी, तो तुम्हारी z की जो वैल्यू आई दैट कुड बी 2, z की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5, z की वैल्यू 7 एंड z की वैल्यू 11. 13 + 2 15 20 आउट ऑफ पिक्चर, 13 + 3 16 19 करेक्ट, 13 + 5 18 और 17 परफेक्ट. फिर से बेटा 13 y is equal to 13 पे दो कॉम्बिनेशन मिल गए, दैट मीन दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है. अब तुम समझो यहां पे, इसके बाद तुम्हें चेकिंग की भी नीड नहीं है. व्हाई इट्स नॉट नीडेड? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने y की वैल्यू 13 ले ली, अब तुमने y की वैल्यू 17 रखी, x क्योंकि इससे बड़ा है तो x की वैल्यू 19 तो मिनिमम लेनी ही पड़ेगी प्राइम, जिसका सम ही 36 हो जाएगा, तो तुम्हें और कोई चेक करने की नीड ही नहीं है. दैट मींस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस पार्ट. दैट मींस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर, दैट विल बी 23 इयर्स. बहुत हाई चांसेस है गलत होने के. समझ ही रहोगे कि एक एक पॉइंट पे घुमाया है क्वेश्चन को. 11 के साथ दो कॉम्बिनेशन, बंदा आंसर लगा देता है, हो सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइन लगा दे. 13 के साथ दो कॉम्बिनेशन, हो सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइन लगा दे. तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में ये पॉइंट तुम्हें पिक करने होते हैं. अरिथमेटिक की एक वैरायटी ये भी है, जो LRDI पे भी इसके सेट बन सकते हैं. नॉट ओनली इन अरिथमेटिक सेक्शन, LRDI पे भी इसके सेट बन सकते हैं. तो तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आराम से करना होता है. कॉम्बिनेशन और लैंग्वेज, इफ आई टेल यू द एज ऑफ मिडिल वन, दिस शुड बी योर की पॉइंट. तुम्हें की पॉइंट पकड़ने होते हैं, और कोई भी वो गलत पकड़ोगे, पकड़ो पढ़ोगे, यू विल गेट द डिफरेंट आंसर. ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना पोस्ट को, लाइक किए बिना जाना मत. और आज ग्रुप में सबके साथ शेयर भी करो. आज कम से कम भी हर एक स्टूडेंट से 5 सब्सक्रिप्शन चाहिए. हर एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को शेयर करेगा आज. ठीक है ना, सलमान भाई ने भी कहा है 1313 13. ठीक है, चलो ओके भाई.